हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मंडी टेक इंस्टीट्यूट में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हाउ टू चेंज वीवो Y71 फोल्डर चेंज, हाउ टू चेंज फोल्डर Y71। इसका मतलब जैसे मान लो कोई सेट फोल्डर हमें चेंज करना है, किसी सेट का फोल्डर खराब हो चुका है या डिस्प्ले बिल्कुल पूरी तरह से चली गई है, तो उसको हमें किस तरह से चेंज करना है और उसमें हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है और कैसे चेक करता है और क्या क्या चीज का ध्यान रखना होता है। तो आओ देखते हैं। सबसे पहले जैसे मान लो फोल्डर तो टूटा हुआ है हमारा और इसमें सिर्फ लाइट आ रही है हल्की सी, सेट ऑन हो गया है, लाइट आ रही है सेट से। अब इसको जैसे निकालने के लिए जैसे मान लो कोई डिस्प्ले लगी हुई है तो इसको किस तरह से पहले सेट खोलेंगे आप। सेट खोलने के बाद इसका इसकी बैटरी आप निकालेंगे इस तरह से। इसकी ये जो ग्रिप होती है ये बैटरी उतारने के लिए होती है, इसको जब खींचेंगे बाहर की तरफ तो बैटरी आसानी से निकल आता है, थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ती है और ये आसानी से बाहर आ जाएगी बैटरी। उसके बाद जैसे मान लो ये डिस्प्ले चिपकी होती है तो डिस्प्ले को आपके पास जैसे SMT है या सेपरेटर मशीन है उस हिसाब से आपको हीट कर सकते हैं चारों साइड से। जब हीट करते हैं तो किस हिसाब से हीट करते हैं तो देखते हैं, आपको SMD से बताते हैं। जैसे ये SMD अपने पास, इसके चारों साइड पे हीट करनी है। ये हमने हीट कर दिया है, अब इसको किसी ओपनर से इसको साइड साइड से ओपन करेंगे इस तरह से। और मान लो ये डिस्प्ले तो हमारी खराब है तो इसको तो किसी तरह से भी उतार दो आप, लेकिन जो अच्छी होती है उसको बहुत ध्यानपूर्वक ही बचाना होता है। ग्रिपिंग जो होती है इसकी, जो ग्लू होता है उसको बहुत साइड साइड से कटिंग करनी पड़ती है। कटिंग करके आपको इस तरह से ये आप ये डिस्प्ले को इस तरह से आप निकाल सकते हैं। निकाल दिया डिस्प्ले। अब मेरे पास जो ये दूसरा फोल्डर है तो हम चेक करेंगे। जैसे हमारे पास ये नया फोल्डर है इसको हम चेक करेंगे कि डिस्प्ले हमारी कैसी है, ठीक है आ रही है नहीं आ रही है। तो सबसे पहले हमने ये लगाया, पत्ता सेट किया, बैटरी लगा दी, इसको हम ऑन कर रहे हैं, ये हमारी डिस्प्ले आ गई है। अब इसमें हमें चेक करना है कि प्रॉपर टच काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि हमें फिट करने से पहले एक एक चीज ही बारीकी से हमें देखना होता है कि मान लो कि हमने फोल्डर लेकर खरीद के उसमें टच नहीं चल रही है तो ये इस टाइम ये हमारा फोल्डर वापस हो जाएगा और दुकान वाले से हम दूसरा बदल के ले सकते हैं। अगर हमने इसको चिपका दिया तो फिर ये हमारा चेंज नहीं होगा, तो चिपकाने से पहले हमें पूरी एक एक चीज की सावधानी रखनी होती है और इसको चेक करना होता है कि प्रॉपर टच काम कर रहा है, डिस्प्ले आ रही है या नहीं आ रही है, ये सब देखना होता है। तो अभी सेट ऑन हो रहा है हमारा, सेट ऑन हो चुका है। अब इसका हम टच देखते हैं, लॉक लगा हुआ है, ये हमारा टच प्रॉपर काम कर रहा है अभी इस टाइम, ठीक है। अब जैसे मैंने इसका डिस्प्ले चेक कर लिया है फोल्डर, अब इसको निकाल लेते हैं बाहर और इसके ऊपर जो ग्लू लगा होता है फ्रेम के ऊपर, तो उसको फ्रेम को आपको बहुत बारीकी से साफ करना है इस तरह से, जो कि आप डिस्प्ले लगाओ तो प्रॉपर बैठ जाए। Thank you.
हम इसको साफ कर लिया इसका ग्लू, और अब हमें इसको इस पे फेवी बॉन्ड लगाना है जो हमारा ये डिस्प्ले चिपकाने के लिए आता है बॉन्ड है, तो इसके चारों साइड हम लगा देंगे हल्का हल्का। ये हमने लगा दिया है, डिस्प्ले हमने चेक कर लिया था पहले, डिस्प्ले हमारा ठीक है। अब इसके ऊपर पन्नी लगी होती है, ये पन्नी को हम हटा देंगे। और इस तरह से हमने इस पे चिपका दिया है, ये लगाएंगे आप, ये बैटरी लगाएंगे। अब इसको ऑन करते हैं, ऑन हो गया लेकिन हमारा फोन अभी चार्ज नहीं है, इसके लिए इंडिकेशन दिखा रहा है कि बैटरी चार्ज में लगा। ये चार्ज होने लग गया है, तो ये बहुत आसान मेथड है, तो आप इस हिसाब से आप कोई भी फोल्डर चेंज कर सकते हैं। और आज की क्लास यही थी कि हाउ टू चेंज Y71 फोल्डर, तो इस तरह से आप कोई भी फोल्डर को चेंज कर सकते हैं, बहुत आसान मेथड होता है। तो हमारे इंस्टीट्यूट में आइए और एक से एक फोल्डर सब एवरीथिंग सिखाया जाएगा आपके यहाँ। आप मोबाइल कोर्स के अलावा बैटरी रिक्शा, लैपटॉप रिपेयरिंग, CCTV, LED TV, ये सब कोर्स आप कर सकते हैं हमारे यहाँ। मोबाइल में भी आपको MMC और बेसिक कोर्स ये सब कुछ हमारे यहाँ कराया जाता है, तो हमारे यहाँ बिल्कुल कांटेक्ट करें। और हमारे यहाँ कोई भी कोर्स से इंटरेस्टेड है तो जरूर आप कॉल करें और यहाँ आके आप कोर्स सीखें। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।